सुबह के 8:30 बजे हैं और हम ये एडवेंचर पे निकल चुके हैं और आज हमारा गोवा का ट्रिप का लास्ट डे है। तो मैं और तपन ही है, हम दोनों ने सोचा चलो कुछ एडवेंचर कर देते, तो गाड़ी को लेके निकल चुके हैं और यही एडवेंचर राइड शुरू हो गई है। और रास्ता बहुत ही स्टीफ है, बहुत ही खतरनाक रास्ता है। तो अभी गाड़ी एडवेंचरस गाड़ी चलाने के बाद ट्रैकिंग वाला पार्ट शुरू हो गया और हम अभी ट्रैकिंग करके जा रहे हैं ऑन द बटरफ्लाई बीच, जो हमें कल अच्छे से देखने नहीं मिला। अभी हम उसको रोड से कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे जिसका नाम है बटरफ्लाई बीच, और ये एक सेक्रेट बीच है जो आपको पालोलेम के नज़दीक देखने मिलेगा। और यहाँ का जो नज़ारा है वो बहुत ही प्यारा है। आपको ट्रैकिंग करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और उसके बाद आप ट्रैकिंग करने के बाद जब यहाँ पे आओगे, ये लोकेशन पे आओगे, तब आप यहाँ पे स्विम नहीं कर सकते या कुछ भी नहीं, बट ये जो लोकेशन है वो देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी बात करें अगर बटरफ्लाई बीच की, तो इसका नाम बटरफ्लाई इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आप अगर स्ट्रीट ड्रोन के अंदर देखोगे तो जो बटरफ्लाई का जो शेप है वो क्रिएट होता है पूरा एक नेचुरली, तो उसकी वजह से इसको बटरफ्लाई बीच बोला जाता है। और आप पूरा देख सकते हो, पूरा व्यू ड्रोन शॉट्स के अंदर भी आप देख सकते हो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है ये लोकेशन। यहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन आज हमारा ट्रिप का लास्ट का दिन है और वी हैव टू कवर अ लॉट, सो निकलते हैं यहाँ से। लेकिन अगेन आप व्यू देख सकते हो पीछे, मेरे पीछे व्यू देख सकते हो, पूरा बहुत ही प्यारा व्यू दिख रहा है। और यहाँ पे भी आप व्यू देख सकते हो, यहाँ पे फोटोशूट चल रहा है। 2 hours later
तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है इस वंडरफुल ट्रिप को एंड करने का, और आई होप आपको सभी के सभी जो गोवा के एपिसोड्स है वो पसंद आए होंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी सजेशन है या सुझाव है तो प्लीज डू कमेंट एंड यू नो हम मुझे बताओ कि हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं। बहुत सारी गलतियां भी होती है, लेकिन गलतियों के साथ साथ हम वीडियोज के अंदर बहुत सारे चेंजेस भी कर रहे हैं, हम बहुत सारे इक्विपमेंट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो प्लीज मेक श्योर डेट यू नो लाइक ये चैनल को आप सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट करो, और अपनी अपनी लाइफ के अंदर एकदम मस्त तरीके से रहो।